कंज्यूमर न्यूज़ से मैं हूं शाहीन सिद्दीकी। आज मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची सेक्टर 5C1 में, जहां सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था। आइए टाउन चेयरमैन साहब से इस बारे में बात करते हैं। सर बताइएगा, ये जो सीवरेज का काफ़ी अच्छे से मसला चल रहा है, इस बारे में आपने क्या इकदाम उठाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीवरेज का ज़ाहिर है बहुत पुराना मसला है यहाँ पर, और सीवरेज लाइनें बहुत पुरानी डली हुई हैं, डैमेज हैं। तो इस वक्त हमारे यूसी चेयरमैन अली अर्शद साहब और वाइस चेयरमैन जो टाउन के भी हमारे चेयरमैन हैं शेख बिन रहीद साहब, और इनकी टीम ने मिलकर हम ये तय किया है कि इस पूरे रोड के ऊपर जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड पे तकरीबन 2500 मीटर जो है वो लंबी लाइन जो है यहाँ पे डालेंगे, जिससे ये पूरा इलाका इंशाल्लाह और लजीज का सैंडविच का मसला जो है हल हो जाएगा। ये उस फंड का पूरा सिलसिला है कि जो हमने 50 लाख रुपए पी यू सी को दिया था, जो अपने सैवरेज, अपने वाटर के लीकेज और इस तरह के जितने काम हैं जो फौरी नौइयत के काम हैं उनको करवाएं, तो ये अपने उस फंड में से एक फती रकम इसके ऊपर लगा रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह इस पूरे मोहल्ले को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा ये काम कब से स्टार्ट होगा? ये काम इंशाल्लाह अगले 2 से 4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह काम का आगाज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने मोहतरम टाउन चेयरमैन साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने यूसी की रिकमेंडेशन पर जो हमने यहाँ के प्रपोजल्स दिए थे उसके ऊपर फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लिया है। ये जहाँ हम खड़े हैं बिलखसूस ये वो गली है जहाँ जो एक तवील अरसे से डैमेज है, और वो जो बड़ी लाइन हम वहाँ से फारूक आजम मस्जिद से लेके आ रहे हैं और सकीना मस्जिद तक आएगी, उससे जब ये कनेक्ट होगा तो ये मसला भी बिल्कुल हल हो जाएगा। तो हम आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे लोगों ने ये, और ये काफी बहुत पुरानी कंप्लेंट है, आज की नहीं है, ये 8-10 साल से लोग यहाँ परेशान है। क्योंकि हमें अब मौका मिला तो हमारा टाउन और हम यूसी मिल करके इस मसले को हल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और उसके बाद ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ये सालों का दुख तो था, हमें अंदाजा है इसका कि इस वक्त मसाइल तो बहुत ज्यादा है तमाम यूसी के अंदर ही, लेकिन आपके लिए हुआ कि अभी जो है जो ये जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद जो है वो जमात इस्लामी का कि यूसी और जमात इस्लामी का जो ना ये टाउन जो वजूद के अंदर आया है, तो आपको पता है कि जब भी जमात इस्लामी आती है और वो काम अलहमदिल्ला कराती है, तो टाउन चेयरमैन की हिदायत के ऊपर जो तमाम यूसी को जो 50 लाख रुपये का फंड जो तरक्याती फंड दिया जा रहा है, जो उनसे स्कीमें ली जा रही है और स्कीम के तहत जो ये काम कराया जा रहा है, इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त जो है मेयर साहब जो है वो गदा के ढक्कन तक जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन नाज़िम ने यह फैसला किया कि हम तमाम यूसीज को जो 50 लाख की तरक्याती काम जो है उनको देंगे, ताकि जो यूसीज के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा तो कम नहीं होंगे, लेकिन किसी हद तक जो है वो कम जो है ज़रूर वो हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो है हम फिलफोर काम शुरू करें। इस वक्त जो पैसे हमको किसी और काम में लगाने चाहिए थे, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि जो वाटर सर्विस का जो डिपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है उनके अपने एक फंड है, उनका अपना एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन वो अपना तो अपने फंड जो यूटिलाइज कर रहे हैं ना लगा रहे हैं, और ना वो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए था वो काम कर रहे हैं। तो हमको मजबूरी तौर पे जो है वो अपना जो पैसा जो हमको किसी और जगह पे लगाना था, स्कूल्स पे लगाना था, एजुकेशन पे लगाना था, सेहत पे लगाना था, पार्कों में लगाना था, वो मजबूरी की हालत के अंदर जो है ना सर्विस के ऊपर हम लगा रहे हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक। चेयरमैन